उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद पहुंचे। उन्होंने यहां चल रही तीन महत्वपूर्ण योजनाओं का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने प्रताप विहार में बनाए जा रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बन रहे आवासों का बारीकी से निरीक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री हिंडन नदी पर बनाए गए नए पुल का निरीक्षण करने के बाद नगर निगम द्वारा लगाए गए गार्बेज फैक्ट्री के निरीक्षण के लिए गए। मुख्यमंत्री ने कूड़े से तैयार की जा रही खाद एवं प्लास्टिक और पॉलिथीन का नगर निगम किस तरह प्रयोग कर रहा है उसको भी देखा। इस दौरान उन्होंने पॉलिथीन अलग कर रहे कर्मचारियों में से एक महिला को मुंह पर मास्क न लगाने के लिए टोका तथा मास्क लगाने का निर्देश दिया। तत्पश्चात नगर निगम का बर्तन बैंक एवं थैला बैंक तथा पुस्तक बैंक जैसी योजना का भी अवलोकन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। साथ ही साथ कूड़े में से निकाली गई पॉलिथीन के माध्यम से नगर निगम द्वारा तैयार करवाई गई सुंदरीकरण की वस्तुएं पाकों की बेंच टेबल फूलदान एवं सीवा के ढक्कन तथा फर्श में इस्तेमाल करने के लिए टाइल्स का अवलोकन भी किया, जिसके बारे में महापौर आशा शर्मा तथा नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने विस्तार से मुख्यमंत्री को बताया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम द्वारा बाजारों की सफाई व्यवस्था के लिए मंगाई गई 10 मशीनों का रिबन काटकर उद्घाटन किया। वहां काम कर रहे कर्मचारियों के साथ फोटो खिंचवाकर उनका मनोबल बढ़ाया। भैया थोड़ा बाइक पीछे पीछे आ जाओ। जगह फिर आगे आगे आ रही अरे भाई साहब एक जना हो जाओ, तीन तीन हो रहे हो आप। भैया एक थोड़ा पीछे हो जाओ, आगे से थोड़ा सा यहीं है आपके सामने। सर आगे तो हेलमेट है वहाँ पर यहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है। जो योजनाएं दिखाई जा रही है Thank you.